चलने वाला आदमी साइकिल से एक्सीडेंट कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पोस्टमार्टम होता है, तो आपदा विभाग 4 लाख देती है। मैं सरकार का काम करता हूँ, पोल पे चढ़ जाता हूँ, रिटर्निंग लेंथ 33,000 आता है, मैं बिना कफन का जल जाता हूँ दोस्तों, मुझे 4 ही लाख रुपया मिलती है। क्या बताइए कि रोड पे चलने वाला और हमारे में फर्क क्या है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सल्लू के ब्लॉग में। दोस्तों आज जो ये ब्लॉग है, मैं अपने सारनपुर बक्सर बिहार के रिकवर करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये मीटिंग रखा हुआ है हमारे गांव में सारनपुर बक्सर बिहार में, वो बिजली विभाग का है जिसके लिए रखा हुआ है, वो जिसका पैसा कम है, जिन कर्मचारी लोग का पैसा कम है उनको पैसा बढ़ाया जाए, उनके पैसा का इंक्रीज़ किया जाए, इसके लिए हमारे गांव में संगठन मीटिंग आंदोलन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग बक्सर के जितने भी लोग हैं, सांसद विधायक सभी लोग आने वाले हैं। मुख्य अतिथि के स्वागत में 2 शब्द रखेंगे। आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर AK सिंह की मौजूदगी में आपके सामने हो गई है। हमारे वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मीडिया महोदय भी आ चुकी। बड़ी शारीपुर में ये सभा जो हुआ है, ये तोड़ंदा दादा खान दादा रहमतुल्लाह अलैह के दुआएं हैं कि पूरे बिहार के मानोबल आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। अहिल्या माई की मंदिर है एहरोली में और राम जन्मभूमि है बक्सर विश्वामित्र की नगरी में, आज आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज ये सम्मेलन का मुख्य मकसद है सारीपुर नगरी तोड़ंदा दादा खान नगर के नगरी में, यह सौभाग्य है लड़ाई बक्सर की सरजमी सारीपुर विश्वामित्र नगरी से ही होगी। जितने भी पदाधिकारीगण कर्मचारीगण जितने भी सरकारी हैं, यूनियन के हैं जो कि अभी कार्यरत हैं, एरिया बोर्ड में हैं, SBPT शेल कंपनी में, सारे लोग की समर्थन मिली। हमने भी मानोबल के नेतृत्वकर्ता होने की हैसियत से हमने समर्थन दिया, मुझे पूरी आश्वासन मिली, तब हमने आज बक्सर में यह सभा कर पाए और पूरे बिहार से हमको जो है ये ताकत प्राप्त हुआ, मानोबलों ने दिया कि आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ देंगे। इस उम्मीद के साथ आपको हम पे विश्वास है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे कहने पे बिहार के 38 जिला के लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे, और अधिवक्ता भी बोर्ड के हमारे पास मौजूद हैं और बक्सर के जनता हर अनेक महल्ले से आए हुए जनता का भी मैं शुक्रगुजार तमाम मानोबल मैं करता हूं और उनके लिए इनकी सोच के लिए आने के लिए मैं इनका धन्यवाद, और आप लोग जोर ताली से स्वागत कीजिए। देखिए कि कहां का इंसाफ है कि आप 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं और 30 दिन ड्यूटी लेते हैं और 26 दिन का पेमेंट देते हैं और हमको एक दिन भी रेस्ट नहीं मिलता। चलने वाला आदमी साइकिल से एक्सीडेंट कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पोस्टमार्टम होता है, तो आपदा विभाग 4 लाख देती है। मैं सरकार का काम करता हूँ, पोल पे चढ़ जाता हूँ, रिटर्निंग लेंथ 33,000 आता है, मैं बिना कफन का जल जाता हूँ दोस्तों, मुझे 4 ही लाख रुपया मिलती है। क्या बताइए कि रोड पे चलने वाला और हमारे में फर्क क्या है? इस मीटिंग इस कार्यक्रम में यहाँ बिहार के जितने भी जिले हैं, वो जिले के सभी लोग इस मीटिंग में आए हैं। जो मीटिंग हो रहा है अभी सारनपुर बक्सर बिहार में हो रहा है, तो इस मीटिंग को काफ़ी मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों को उसका इंसाफ मिल सके। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, फिर चलिए चलते हैं। वो आपकी ताकत से होता है खान साहब। बक्सर में मैं देखा हूँ इस अलग जगाने का, रोशनी का दिया लेकर, और न सिर्फ मानव बल तक, माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल है शाहबाद का सबसे बड़ा 100 बेड का मेरा यहाँ, बहुत सारे ऐसे मानव बल के लोग, कम से कम 8 साल से अस्पताल है और मैं बिहार सरकार में क्लास 1 पोस्ट पर हूँ, और जो सरकारी डॉक्टर हैं BPSC कैडर से, उनका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का।
रेड क्रॉस का भी फाउंडर चेयरमैन रहा। बहुत सारे बिहार ओलंपिक एसोसिएशन में जो फिटनेस दांत का होता है उसके 20 डॉक्टर के पैनल में भी मैं हूं बक्सर से, जिसमें कि बिहार से सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। तो बड़े बड़े मंचों पे, छोटे छोटे मंचों पे व्यवस्थाओं के तहत मैंने महसूस किया है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, सरकार के समक्ष या विभाग के समक्ष अपनी बातों को आप प्रभावी पूर्वक नहीं रख सकते। ओके, हमेशा हम लोग, खासकर हम, हर दम आपके लोग के साथ रहेंगे, हम यही कहेंगे। हमारा कोई स्टेट डेलीगेट रहेगा। दूसरा है कि एजेंसी को नहीं रखना, बीच में कोई एजेंसी नहीं रहे, सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपको ये काम करना है।